तमस नदी में डूबे तीन व्यक्तियों में से एक का शव मिला, दो की तलाश जारी। नदी में डूबने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि प्रशासन देगा। बचाव राहत की कलेक्टर और एसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। तमस नदी में डूबे तीन व्यक्तियों में से एक का शव मिला, दो की तलाश जारी। नदी में डूबने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि प्रशासन देगा। बचाव राहत की कलेक्टर और एसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। तमस नदी में डूबे तीन व्यक्तियों में से एक का शव मिल गया है, दो की तलाश जारी है। नदी में डूबने वाले व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बुधवार को रीवा जिले के अतरैला के हरदहन गाँव में भडरा के गुरगुदा घाट में गत दिवस तमस नदी के तेज बहाव में सवार तीन व्यक्ति डूबने से लापता हो गए थे। ये तीन व्यक्ति नाव से इस पार से उस पार जा रहे थे। नाव में उस समय 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 व्यक्ति तैरकर नदी के किनारे आ गए थे। आज सत्यम केवट का शव मिल गया है। शेष 2 व्यक्तियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने घटना की जानकारी मिलते ही स्वयं घटना स्थल पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कराया। देर रात तक दोनों अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद रहकर बचाव कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। कलेक्टर के निर्देश पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए गोताखोरों एवं तैराकों को लगाया गया। जबलपुर से बुलाए गए डीप ड्राइवरों द्वारा भी लापता व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। वहीं नगर निगम रीवा में उपलब्ध एक बड़ा जाल घटना स्थल पर पहुँचाया जा रहा है, जिसका उपयोग कर लापता व्यक्तियों की तलाश की जाएगी। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा बचाव के अन्य संसाधन मंगाए जाकर लापता व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। मौके पर एसडीएम तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग करते हुए राहत एवं बचाव दल को निर्देशित कर रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी दी है कि नदी में डूबने वाले व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नाव छोटी थी, केवल 2 व्यक्ति के बैठने लायक ही जगह थी। उसमें सवार हो गए 5 व्यक्ति, जिसमें से 2 व्यक्ति तैरकर बाहर निकल आए थे। दोपहर के वक्त यह सारे लोग नदी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। जब नाव बीच रास्ते में पहुंची, उसी दौरान तेज हवा आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से नाव पलट गई, पानी में डूब गई। जिस जगह पर नाव डूबी थी, उस जगह पर काफी तेज बहाव है, नदी काफी गहरी है। वहीं पास में थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से भी बहाव बहुत तेज रहता है। फिलहाल जबलपुर से आई टीम ने 1 लाश को निकाल लिया है। पानी का बहाव रोक दिया गया है। थर्मल पावर से जो पानी बह रहा था, उसके बहाव को रोका गया है। नदी में बहाव इस समय काफी कम हो गया है। फिलहाल बाकी 2 लोगों की तलाश जारी है। खबर लिखे जाने तक उनके शव अभी तक नहीं मिल पाए थे। ये जो बच्चे थे, उसमें से एक जो केवट बच्चा था 15 साल का, जो नाव खुद ही चला रहा था, ये गुदुरा गांव का रहने वाला है। और वहाँ उसकी बुआ के बच्चे का कुछ घरों का कार्यक्रम था, तो वहाँ बीच में नाव चला रहा था। तो ये और बच्चे थे 3, ये हरदान गाँव के रहने वाले हैं, ये भी उसमें बैठ गए और बैठ के जा रहे थे। क्योंकि दोपहर का समय था, 1 से 2 बजे के बीच की आसपास की घटना है, हवा चल रही थी बहुत तेज, जैसा आप लोगों को भी पता होगा। तो पानी में लहर उठने के कारण से नाव कुछ डिसबैलेंस थी, और ऐसा भी कह रहे हैं कि उसमें साथ 5 बच्चे बैठे हुए थे, तो उसके कारण से भी ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ डिसबैलेंस हुआ हो और उसके कारण से नाव पलट गई, नाव पलट के डूब गई। उसमें 2 बच्चे थे, जो वो तो नाव से तैर के वापस निकल गए। उसमें जो चलाने वाला था 15 साल का लड़का था, केवट समाज के, ये सारे बच्चे केवट समाज के थे, और एक दूसरा बच्चा वो भी निकल गया। लेकिन 3 बच्चे जो थे, जिनके 16 से 18 वर्ष के आसपास थे, जो भी उस कार्यक्रम में जा रहे थे, वो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। मौके पे होमगार्ड दल और उसका तैराक दल पहुंच चुका है। एसडीपी डभौरा, थाना प्रभारी डभौरा भी आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गए, तब से वहीं पर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तैराक दल के साथ साथ स्थानीय लोग भी उसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी एसपी कलेक्टर साहब भी यहाँ वीसी थी, बीच में जब जानकारी जैसे लगी तो एसपी कलेक्टर साहब भी मौके पर पहुंच रहे हैं, रास्ते में पहुंचने वाले होंगे। लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसमें जैसे ये घटना की जानकारी लगी थी, जो टॉन हाइड्रल प्लांट है, वहां से पानी भी रोक दिया गया है। लगातार पानी का स्तर कम हो रहा है, शीघ्र ही बच्चे मिल जाएंगे। शासन के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की डूबने से हुई मृत्यु प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। हालांकि एक किसी व्यक्ति के जाने का कोई मुआवजा नहीं हो सकता और एक उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होती है, लेकिन शासन निर्देशों के अनुसार जो हमारे प्रावधान हैं वो इसमें 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मदद का है। यदि कोई ऐसी दुर्घटना पानी में डूबने से होती तो 4 या 5 जो भी बच्चे और परिवार हैं
उनको तात्कालिक तौर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया जा सके। एक बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है और बाकी के लिए लगातार वहीं पर होमगार्ड की टीम और हमारा पूरा बाकी जो बल है, पुलिस फोर्स हैं और स्पेशल जो तैराक होते हैं इस तरह के रेस्क्यू के जो अनुभवी लोग हैं, उन सभी लोगों की टीम वहाँ पे, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक महोदय भी वहाँ पर गए थे। हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी जल्दी उनको रिकवर किया जा सके।